इंडिगो में सिलेक्शन होने के बाद आपको दिल्ली बुलाया जाता है। पहले दिन मेडिकल टेस्ट होता है, सेकेंड डे डॉक्यूमेंटेशन होता है और थर्ड डे आपका इंट्रोडक्शन होता है। और ये हमारा थर्ड डे है जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। मेडिकल टेस्ट में आपकी रिपोर्ट चेक की जाती है, जो आपके होम बेस पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो रिपोर्ट चेक की जाती है। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी रिपोर्ट चेक की गई और मुझे पता चला डॉक्टर से कि मेरा यूरिन टेस्ट डॉक्टर ने मिस कर दिया है बैंगलोर में ही। ये मुझे जब मैंने रिपोर्ट भेजी कंपनी को, ये 15 डेज पहले हुआ था। ये जब इंडिगो को मैंने रिपोर्ट भेजी, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, उनके जो डॉक्टर थे एचआर में बैठते हैं उन्होंने भी नहीं बताया कि मैंने यूरिन टेस्ट अपना मिस कर दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर भी इरिस्पॉन्सिबल थे और मैं भी इरिस्पॉन्सिबल थी कि मैंने भी वो चेक नहीं किया। जब सारा प्रोसीजर होने के बाद मैं दिल्ली आई और मेडिकल टेस्ट मेरा हो रहा था, सुबह 9 बजे मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ था और ये होते होते जब मेरा नंबर आया 3 बज चुके थे और मुझे पता चला कि मैंने मेडिकल टेस्ट अपना मिस कर दिया है। मैं स्पीचलेस हो गई, मुझे नहीं पता, ब्लैंक आउट हो गई, मुझे नहीं पता क्या करना है। क्योंकि मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपका यूरिन टेस्ट मिस हुआ है तो अब आपको वापस बैंगलोर भेजेंगे और आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट बैच के साथ स्टार्ट होगी। वो कब होगी नो आइडिया, एक मंथ में 15 डेज में नो आइडिया। तो सोचो कितना प्रेशर आया होगा मेरे पास यहाँ से, जो मेरा रियल स्ट्रगल शुरू हुआ। और कोई आपके साथ नहीं होता है और दिल्ली में मैं अकेली, और जब ऐसी सिचुएशन अकर होती है ना, सीरियसली आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, नहीं पता चलता करना क्या है। आप प्रिपेयर होके बैग पैक करके सब कुछ पैक करके आप आ गए हो दिल्ली ट्रेनिंग के लिए और अब यहाँ पे आने के बाद आपकी रिपोर्ट चेक की जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि वापस भेजेंगे। ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या और मैं एकदम से ब्लैंक आउट हो गई, मुझे नहीं समझ में आया कि करना क्या है। और जितनी भी लड़कियां हम साथ में थे, सब हर कोई बुरा फील कर रहा था मेरे लिए, हर कोई मुझे समझा रहा है क्योंकि आई वॉज अबाउट टू क्राई। बट मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कहीं ना कहीं से रास्ते निकाल लेती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स नॉट डॉक्टर्स मिस्टेक, आई डोंट नो किसका मिस्टेक है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रास्ता मुझे बीच का निकालना होगा। और यहाँ से होता है मेरा स्ट्रगल शुरू और मेरी ट्रेनिंग इसी बैच के साथ ही स्टार्ट होती है। वो कैसे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी।